आज मैं बनाने वाली हूँ लाल लाल टमाटर की खट्टी मीठी चटनी। ये देख सकते हैं लाल लाल टमाटर। इन सारे चीज़ों से मैं खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह धो लेंगे तीन चार बार। बाजारों में हजार किस्म के लोग जाते हैं फ्रेंड्स, कोई स्वस्थ कोई बीमार, धूल मट्टी हर कोई टमाटर को हाथ लगाते हैं, सब अच्छा अच्छा चुन के ले जाने के लिए। इसलिए हम बढ़िया तरह से तीन चार बार धोएंगे इस तरह से। सबसे पहले बर्तन में पानी रखे हैं, इसके ऊपर ये छेद वाला बर्तन रखेंगे और इसमें टमाटर को इस तरह से रखेंगे। इसका भाप से हम टमाटर को पकने देंगे। देखिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे। कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, आपके पास इडली का साँचा हो तो उसमें भी बॉयल कर सकते हैं या पानी में भी बॉयल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चटनी को जल्दी तैयार करने के लिए इस तरह मैं बॉयल कर रही हूँ। इसको हम 4 से 5 मिनट तक हम पकने देंगे। यदि हम पानी में बॉयल करते हैं तो 1 से 1.5 मिनट में ही उबल जाता है फ्रेंड्स। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारा टमाटर पक गए हैं कि नहीं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका छिलका जो अलग हो गया है मतलब हमारा टमाटर पक चुका है। गैस को बंद करते हैं, फिर दूसरे बर्तन में हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। एक एक करके हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसका छिलका उतार देते हैं। इस तरह से हम हटा देंगे सारे टमाटर का छिलका को, इस तरह से हम हटा देंगे। सारे टमाटर का छिलका उतार दिए हैं बढ़िया तरह से, अब इसको हम इस तरह कट कर देंगे। अब हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। तरह से ग्राइंड हो गया है, अब हम गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब पचफोरन। साथ ही हम डालेंगे लाल मिर्च, 5 पीस लिए हुए इसको टुकड़ा करके, इसलिए ज़्यादा दिख रहा है। अब हम डालेंगे इसमें हींग, बढ़िया तरह से चटक गया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, मैंने यहाँ पर लिया है छोटा प्याज,
सारा चीज़ बढ़िया से भून गया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, तीन हरा मिर्चा, बढ़िया तरह से भुनेंगे। सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह पका लिया है। अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ टमाटर, इसको ढक्कन लगा देंगे। एक मिनट के लिए हम हाई फ्लेम में पकाएंगे। पान आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता, ये इसको हम इस तरह काट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच नमक स्वादानुसार, तरह से चलाएंगे। बढ़िया तरह से घुल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम के करीब गुड़, क्योंकि मेरा टमाटर 1 kg है, इसमें गुड़ डाल देते हैं। इस तरह से हम धीमी आंच में चलाते हुए हम पकाएंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा नमक कम हो गया है, और एक छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गया। गैस को बंद करते हैं। अब हम उसको अलग बर्तन में रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए। आप लोग भी मेरी तरह एक बार बना के देखिए, जितने दिन के लिए भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये हरी हरी धनिया मैंने छोटा सा बगान में उगाए हैं, इसी को हम डाल रहे हैं। वाओ, क्या ही टेस्टी टेस्टी दिख रहा है, यम्मी यम्मी। टमाटर की खट्टी मीठी चटनी कैसी बनी है, फटाफट से आप लोग बनाइए और टेस्ट करके देखिए, फिर बताइए। उसके बाद शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।